वेलकम टू किचन रेसिपीज़। आज की रेसिपी में हमने बनाया है पॉरेज, दैट इज़ नमकीन दलिया, जिसमें मिक्स रहेगा वेजिटेबल्स का भी और प्लस दाल का भी। एक बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस मील है। जब इस तरह का चेंजिंग सीजन हो, वायरल इन्फेक्शन, फ्लू, मलेरिया, डेंगू आर ऑन द राइज, तो बनाएं इस तरह की खिचड़ी दलिया मिक्स। बहुत ही यम्मी, टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस और हेल्दी भी है। तो ये बनकर तैयार होने वाला है। इसमें हमने 1:1 रेशो रखा है क्या कर रहे थे दाल और दलिये का। तो सबसे पहले एक टेबलस्पून घी को गरम किया, उसके अंदर हमने ऐड करे 1 teaspoon क्यूमिन सीड्स। धीरे से डाले हमने अनियंस, जो कि एक अनियन है रफली चॉप करा हुआ है, वो हमने उसमें ऐड कर दिया। अब उसको अच्छे से गरम हो जाने दीजिए घी को, एंड ये जब तक आपके सुनहरे लाल हो जाएं प्याज, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदर वेजीज लाइक पोटैटोज, आपके पास कुछ भी अवेलेबल हो, गाजर हो तो गाजर डालें। इस तरह से आप इसमें वेजीज डाल सकते हैं, और अच्छे से ये टेम्परिंग प्रिपेयर हो जाए तो आप इसमें सोख करी हुई दाल डालें। मैंने यूज़ करी है मूंगफली की दाल, जो कि बहुत ही लाइट होती है और हेल्दी एंड डाइजेस्टिव भी होती है। तो ये मेरे अनियन सॉटे हो रहे हैं, लेट अस वेट फॉर 5 minutes। आफ्टर 5 minutes इसमें मैंने रफली चॉप करा हुआ एक आलू ऐड कर दिया है, उसको मिक्स करें अच्छे से। एंड इसमें हम ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस, दैट इज नमक, मिर्च, हल्दी, इसको भी अच्छे से सॉटे हो जाने दें। इसको चलाते हुए ऑलमोस्ट 5 to 10 minutes हो चुके हैं। मेरे अनियंस एंड पोटैटोज सॉफ्टन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस और प्री सोक करी हुई मूंगफली की दाल, और उसके अंदर आप डालें हल्दी, नमक, मिर्च, जैसे कि आप यूजुअली डालते हैं वेजीज में एंड दालों में। और उसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं इसमें पीसी हुई काली मिर्च, बड़ी इलायची, जो कि इसको डाइजेस्टिव और हेल्दी बना देगी। अभी मैंने इसमें मात्र नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कराया है। इसको चला लें। आफ्टर 5 to 10 minutes ये सॉटे हो जाएं, तो इसमें आप डालेंगे 2 चीज़ें, दैट इज़ 1:1 रेशो में। लाइक अगर हाफ बाउल दलिया लिया मैंने, तो इक्वल ही रेशो लिया है मैंने मूंगफली दाल की। तो दोनों चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 6 times वाटर, एंड उसको एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। एंड बॉयल आने के बाद उसको सिमर फ्लेम में कवर कर देंगे 4-5 to 10 minutes। उसके बाद हमारा ये पॉरेज रेडी हो जाएगा, जो कि एक हेल्दी मील है एंड इजीली डाइजेस्टिबल है। ये टेस्टी भी लगेगा और आपको हेल्दी भी लगेगा। तो ये सॉटे होते हुए ऑलमोस्ट हो चुके हैं 10 minutes। वेजेस मेरी सॉफ्टन हो गई हैं, बिकॉज आज हम प्रेशर कुकर में कुकिंग नहीं कर रहे, हम एक पैन में कुकिंग कर रहे हैं, एंड पैन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वेजीज के सॉफ्ट होने का वेट है। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे दलिया और दाल, उसके बाद उसको बॉयल करेंगे इन 6 times वाटर। एंड उसके बाद जब वो आपका सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में आ जाए, ना अधिक गीला और ना अधिक थिक। अभी हमने पहले डाला इसमें 1/2 bowl दलिया, उसको मिक्स करें, हल्का सा भून लें, एंड थोड़ी सी भीनी जब स्मेल आने लगे, तो उसके बाद ब्यूटीफुल एरोमा के बाद अब उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मूंगफली की दाल। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए करा बिकॉज द डे वॉज ऑफ एकादशी एंड कांट वी टेक राइस,
सो वट इज़ अदर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ राइस वी हैड टू सब्स्टिट्यूट दलिया बट इट समहाउ टर्न टू बी अ वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस मील्स यू कैन ऑल्सो ट्राई इट।